क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स यूनिट टेस्ट सेकेंड के बाद ये फर्स्ट इंटरेक्शन है हम लोग का। ऑलमोस्ट 10 डेज के बाद मैं इंटरेक्ट हो रहा हूं आप लोगों से। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि यूनिट टेस्ट सेकेंड जब हुआ, आई होप आप सबका अच्छा हुआ होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे यूनिट टेस्ट सेकेंड में, कुछ स्टूडेंट्स यूनिट टेस्ट सेकेंड में प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया है, बताया है कि आप जब भी टेस्ट हम आपका कंडक्ट करते हैं तो उस टेस्ट को आप दीजिए, उसमें आप अपीयर रहिए, ठीक है। टेस्ट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जो भी आपके चैप्टर्स पढ़ा दिए गए हैं वो चैप्टर्स आपके रिवाइज होते रहेंगे और आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। और ऐसा अगर कंटिन्यूस होता है, जो भी पूरे सेशन में आपके यूनिट टेस्ट हो रहे हैं या सेकेंड लास्ट जो आपका एग्जाम है प्री बोर्ड, ये सब आप देंगे तो आपका जो एग्जामिनेशन फोबिया होता है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम को फोबिया की तरह कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब उनको एग्जाम से प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना ज्यादा अगर टेस्ट देते हैं, एग्जाम्स देते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। ये आपको करना चाहिए। जिसने भी यूनिट टेस्ट सेकेंड या फर्स्ट नहीं दिया है उसको टेस्ट देना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। मे बी कुछ स्टूडेंट्स का जेन्युइन कुछ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो शायद नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं। बट आपको कोशिश करके यूनिट टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि यूनिट टेस्ट अगर आप देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपका जो एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट है वो बना रहेगा और एट लास्ट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद जो है आपका नीट का एग्जाम होगा, वहां पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो टेस्ट को देते रहिए, जो भी टेस्ट आने वाला है उसको दीजिए, अच्छे से दीजिए और सीरियसली दीजिए। जो भी चैप्टर्स अलॉटेड हो उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके और टेस्ट में अपीयर होइए आप, ठीक है ना, तभी आप बोर्ड में अच्छा करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो मैंने एग्जाम के बारे में बताया ये समझ लिया आप लोगों ने। और लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, में मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बताया था, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कोडोमिनेंस, ठीक है, कोडोमिनेंस नेक्स्ट टॉपिक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस को मैंने बताया था कि ये किस टाइप के जीन इंटरेक्शन शो करते हैं, दैट मींस कि ये किसका एग्जांपल है, किस टाइप के जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल है, ये मैंने आपको बताया था। वैसे मैं आज फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि ये जो है इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन का एग्जांपल है, इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन का ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस एज वेल एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था इंट्राजेनिक, और इंट्राजेनिक का जो सेकेंड नेम है वो है एलेलिक इंटरेक्शन, एलेलिक इंटरेक्शन, ठीक है। ये जीन इंटरेक्शन का फर्स्ट टाइप है और ये फर्स्ट टाइप के ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जिसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपका फिनिश हो चुका है। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोडोमिनेंस। और कोडोमिनेंस को जब स्टार्ट करेंगे तो फिर से एलेलिक जीन इंटरेक्शन का डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर लेंगे। मैंने आपको बताया था एलेलिक जीन इंटरेक्शन में, दैट मींस कि इंट्राजेनिक में, कि एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो जो F1 जनरेशन में रिजल्ट मिलता है वो मेंडल के इनहेरिटेंस से डिफरेंट होता है। मेंडल के इनहेरिटेंस में जो भी आपने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, उससे डिफरेंट यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ कोडोमिनेंस की, यहाँ पे आपको अलग मिलेगा रिजल्ट आपको, इसीलिए मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एज वेल एज कोडोमिनेंस को मैंने कंसीडर
किया है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि जैसे ही स्टार्ट होता है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, जिसका मतलब कि मेंडेलिज्म या मेंडल्स का जो लॉ है वो अब खत्म हो चुका है, अब हम बियॉन्ड द मेंडल्स लॉ है, यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप का रिजल्ट मिलने वाला है, जैसा कि आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा ही होगा। मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बताया था तो वहां आपने देखा था कि वहां पे जो रिजल्ट्स मिल रहा था वो डेविएट हो रहा था, मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी वैसा ही सीन है, यहाँ पे भी आपको मेंडल्स लॉ फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा। अलग क्या दिखेगा ये समझिए आप, जब आप को डोमिनेंस को पढ़ेंगे तो वहां पे F1 जेनरेशन में जो भी दो एलियल्स हैं, एक जीन के जो भी दो एलियल्स हैं, उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा, उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा। दैट मीन्स कि दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे F1 जनरेशन में, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपका CBSE के जो स्कूल्स होते हैं वो स्कूल्स जो है को एजुकेशन पैटर्न पे वर्क करते हैं, को एजुकेशन पैटर्न पे वर्क करते हैं। को एजुकेशन का मतलब है कि वहां पे गर्ल्स भी पढ़ते हैं और बॉयज भी पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एक सिंगल जीन के दो एलील हैं, दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिला है, ठीक है। सपोज दैट ये गर्ल है और ये बॉय है, तो दोनों को F1 जनरेशन में इक्वल जो है इम्पोर्टेंस मिला है, ठीक है। जब आप पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेंगे जीन का तो वहां पे तो आप एलील वर्ड यूज करेंगे, बट यहाँ पे मैं अगर स्कूल का एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हो गया जीन, बॉयज और गर्ल्स हो गए एलील, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और दोनों एलील का इक्वल शेयरिंग है F1 जनरेशन में, और यही क्या है आपका को डोमिनेंस है, यही क्या है को डोमिनेंस है। इसको अच्छे से आपको समझना होगा। मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे मेंशन भी कर रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन है को डोमिनेंस का वो ये है, इन को डोमिनेंस बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। इट मीन्स F1 जनरेशन रिजेंबलेंस बोथ पेरेंट्स, मतलब कि जो आपका पेरेंट्स में जो भी फीचर्स थे वो दोनों इक्वली जो है F1 जनरेशन में क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इसीलिए हम पेरेंट्स से कंपेयर करके और बता रहे हैं कि यहाँ पे रिजेंबल कर रहे हैं पेरेंट्स से कैरेक्टर्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि आप रॉन कोट कलर इन कैटल्स आर एनिमल्स में, ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे रफली समझ लीजिए, एग्जाम्पल तो मैं NCERT का ही लेके चलूंगा, रफली ऐसे समझ लीजिए कि कुछ आप काऊ या कैटल्स देखते हैं जिसमें प्रिंट के फॉर्म में ब्लैक और व्हाइट पैचेस होते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस होते हैं, और ये जो भी पैचेस होते हैं ये दो एलील्स से आते हैं और दोनों का इक्वल शेयरिंग दिखता है, और ऐसा F1 जनरेशन में दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे कौन सा एक्सप्रेशन हो रहा है, वहां पे को डोमिनेंस एक्सप्रेशन हो रहा है। को डोमिनेंस में दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है, जो भी आपने यहाँ पे पेरेंट्स मेल और फीमेल लिया है वो इक्वली जो है आपको F1 जनरेशन में मिलेंगे, ठीक है। वैसे मैं एग्जाम्पल जो यहाँ लेने वाला हूँ वो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल है आपका ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, NCERT का एग्जाम्पल है, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स। ये दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गया आपका और ये एग्जाम्पल आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स ये जो एग्जाम्पल आपका है इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। जब भी आप ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ये नया नहीं है आपके लिए, मतलब इसको आप ऑलरेडी जानते हैं। कैसे जानते हैं आप जो है A ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को आपने सुना होगा डिस्कशन में, जैसे अपने सराउंडिंग में अगर आपको किसी से आप बात करते हैं तो वहां पे सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप A है,
किसी ने बोला कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, वो ए और बी जो ब्लड ग्रुप है वो एक्चुअली किससे, किसके थ्रू आप उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको आप जब भी जस्टिफाई करते हैं तो वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक में आएगा, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जब आप डिफाइन करते हैं तो वहीं पे ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप, ये सारे ब्लड ग्रुप वहीं पे आते हैं, तो ये आपके लिए नोन है। बट इसके अंदर का जो साइंस है, इसके अंदर का जो जेनेटिक्स है वो मुझे बताना है अभी। आप इन जनरल सबको पता होता है कि ब्लड ग्रुप मेरा क्या है, ए है, बी है, ओ है, ए बी, ये सबको पता होता है, लेकिन इसके अंदर का जो साइंस है मुझे बताना है, और उसी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको जानना है, समझना है, और नीट में वो आता है, ठीक है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि ये ए बी, ए बी, ठीक है, आपको मैं यहां पे लिख के समझाता हूं। आप लिखते हैं ए ब्लड ग्रुप, आप लिखते हैं बी ब्लड ग्रुप, आप लिखते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये जो ए बी और ए बी है ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली में एनसीईआरटी इसको बोलता है शुगर, इसको क्या बोलता है एनसीईआरटी, इसको शुगर बोलता है, ठीक है। और एनसीईआरटी कुछ जगहों पे इसी को क्या बोलता है, एंटीजेंस बोलता है, क्या बोलता है इसको, एंटीजेंस बोलता है, ठीक है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो इसको आप ग्लाइको प्रोटीन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट में मैं जो टर्म डिस्कस कर रहा हूं ये हायर क्लासेस में मिलेगा आपको, ठीक है, बट इन जनरल आप जो आपका करंट एग्जिस्टिंग चैप्टर है वहां पे आपको शुगर मिलेगा, ठीक है। आप जब ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे एंटीजेंस मिलेगा आपको, ठीक है, और जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, यहाँ पे थोड़ा डिटेल हो गया, यहाँ पे टोटल बायोकेमिस्ट्री क्लियर हो गई है आपकी, ठीक है ना। तो ये चीज हायर एजुकेशन में है, ये आपके सिलेबस में आपको मिलेगा, ठीक है। और शुगर और जो भी एंटीजेंस है वो एक्चुअली क्या है, ए बी, ए बी है, और इसी में क्या होता है, वेरिएशन होता है, इसी में क्या होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। शुगर अगर चेंज हो गया तो मे बी बी हो जाए, मे बी ए हो जाए, या दोनों टाइप का शुगर है एक साथ प्रेजेंट है तो ए बी हो जाए, ठीक है। आप ध्यान देना, अगर हम एंटीजेंस या एबीओ में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में ए बी, ए बी को अगर आप शुगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे शुगर की क्या है, वैरायटी है, यहाँ पे शुगर की वैरायटी है। कभी कभी ए टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है किसी में, किसी किसी पर्सन में क्या होता है, बी टाइप का शुगर प्रेजेंट होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ए एंड बी दोनों एक साथ लाए होते हैं, ठीक है। बट ये जो ए बी, ए बी है ये एक्चुअली में होते कहां पे है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ए बी, ए बी ये जो एंटीजेंस हैं या शुगर हैं, या आप इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ग्लाइकोलिपिड्स बोल रहे हैं, तो ये एक्चुअली में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसका आंसर है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी आप सबको पता है कि आरबीसी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो सबको पता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हैं। और यहां पे जो कार्पस्कल्स है आरबीसी, इसकी मेम्ब्रेन पे ये ए बी और ए बी टाइप के शुगर आर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपने क्लास 11th में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने आउटर सरफेस पे शुगर मॉइटीज देखा होगा, मतलब कि शुगर के मॉलिक्यूल्स आपने देखे होंगे, वही ये शुगर है जिसमें वैरायटी होने के वजह से ए बी और ए बी टाइप का बन रहा है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्लास 11th में जब आप सेल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आपका एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जब आप बायोकेमिकल मॉडल की बात करते हैं तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जब आप डायग्राम को देखते हैं तो आपके डायग्राम के जो आउटर सरफेस पे कुछ शुगर के मॉलिक्यूल्स आपके दिखते हैं, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में है क्या, वही एंटीजेंस है, उसी को हम एंटीजेंस बोल रहे हैं, उसी को हम शुगर बोल रहे हैं, उसी को ए बी और ए बी बोल रहे हैं, ठीक है ना।
आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछे कि ए क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है, तो आप बताएंगे एज पर एनसीईआरटी। आप उसको शुगर के वैरायटी भी बोल सकते हैं, उसको एंटीजेंस भी बोल सकते हैं, और हायर क्लासेस में इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये जो भी डिफरेंट टाइप का एंटीजेंस या शुगर है, ये एक्चुअली में किससे फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है जीन से, ठीक है। ये किससे फॉर्म हो रहा है, जीन से फॉर्म हो रहा है। जीन्स की वैरायटी चेंज होगी तो ये ए का हो जाएगा, अगर फिर से चेंज हो जा रहा है तो बी हो जाएगा, अगेन चेंज मिल रहा है तो ए बी भी हो सकता है। मतलब जीन जो है ए बी, ए बी को गवर्न करते हैं। अगर जीन है तो जीन्स के वहां पे एलिल्स होंगे, एलिल्स जो है जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अगर ए वाला एलिल्स है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, बी वाला एलिल्स है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर कोई नहीं है तो वहां पे क्या होगा, आपका ओ होगा, ठीक है। अगर शुगर एब्सेंट है, एंटीजेंस एब्सेंट है, तो उस समय जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि ए बी, ए बी ओ है क्या, ये कहां पे प्रेजेंट है, तो मैंने बताया आरबीसी पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये कंट्रोल होते हैं जीन से, और उस जीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ठीक है, कैपिटल आई से, स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्मॉल आई का भी लिखा है, तो उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ए को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल आई ए होगा, अगर बी को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल आई बी होगा, अगर आपको एंटीजेंस को एब्सेंट दिखाना है तो आप स्मॉल आई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर होमोजाइगस कंडीशन में अगर स्मॉल आई मेंशन है, तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे कि एंटीजेंस आर शुगर एब्सेंट है, और उस कंडीशन में उस पर्सन में जो ब्लड होगा वो ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा। अगर कोई भी शुगर नहीं है, कोई एंटीजेंस नहीं है, इसका मतलब कि उस पर्सन में ओ ब्लड ग्रुप है, दैट मींस कि वो एब्सेंट है शुगर, वहां पे एंटीजेंस एब्सेंट है, ठीक है ना। ये बात समझिएगा। तो ये मैंने यहाँ पे जो एंटीजेंस के जो जीन है इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बताया, इसमें मैंने एलील्स को समझा दिया, ये जीन है तो ये उसके एलील्स है, और यहाँ पे एलील्स आप देख रहे हैं कि यहाँ मोर देन टू है। जो आपने मेंडल्स लॉ में पढ़ा था वहां पे आपने एक जीन के दो एलील्स आपने देखे थे, ठीक है, एक जीन के दो एलील्स देखे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैपिटल टी और स्मॉल टी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन टू है, और मोर देन टू है तो इसी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, इसी कंडीशन को बोलेंगे मल्टीपल मल्टीपल एलील्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मल्टीपल एलील्स, क्योंकि यहां मोर देन टू टाइप्स के एलील्स बन रहे हैं सिंगल जीन से, ठीक है। फर्स्ट आपका आई ए है, सेकंड आई बी है, एंड थर्ड आपका क्या है, आई, ठीक है। ये मैंने आपको हैप्लॉइड फॉर्म में लिखा है, ठीक है, ये चीज मैंने आपके सामने जो लिखा है ये हैप्लॉइड फॉर्म में लिखा है, और ये जो सिंगल आई ए है ये एक सिंगल एलील है, ठीक है, सिंगल आई बी क्या है, एक सिंगल एलील है, और स्मॉल आई है वो भी क्या है, एक सिंगल एलील है। और जब आप सिंगल लेटर यूज करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हैप्लॉइडी कंडीशन होते हैं, जब आप लेटर डबल कर देंगे तो डिप्लॉइडी कंडीशन मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं बता देता हूं आपको, कैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। आप सपोज करिए कि कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके जो एलील्स डिप्लॉयड फॉर्म में जब आप लिखेंगे, इसके एलील्स को जब आप डिप्लॉयड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी है वो देखिए आप। फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगा आई ए, आई ए। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी होगा वो होगा आई ए स्मॉल आई, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, जिसमें से फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा। फर्स्ट क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगा, और जो सेकेंड होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। सिमिलरली जब आप बी देखेंगे तो बी में क्या होगा, आई बी
बी मीन्स यहां पे मैंने बी ब्लड ग्रुप लिया है, ठीक है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके एलील्स को डिप्लॉयड फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई बी, ठीक है, ये होमोजाइगस हो गया आपका, ये क्या होगा, होमोजाइगस हो गया, देन सेकेंड आपका क्या है, आई बी स्मॉल आई, ठीक है, ये जो फॉर्म होगा ये हेटरोजाइगस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपके बी के हो गए। अगर सपोज दैट कोई ऐसा पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, उस कंडीशन में उसका एलील का डिप्लॉयड फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, आई ए आई बी होगा, क्या होगा, आई ए और आई बी होगा, ये उसका होगा जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप में ओनली एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो क्या है, हेटरोजाइगस कंडीशन, क्या है पॉसिबल, हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो लास्ट जो पॉसिबिलिटी है वो है ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की, ओ ब्लड ग्रुप वाला जो पर्सन होगा उसका जो है उसका भी सिंगल जीनोटाइप होगा, या एलील्स का जो डिप्लॉयड फॉर्म होगा वो सिंगल ही होगा, और वो भी किस फॉर्म में होगा, वो होगा आपका होमोजाइगस फॉर्म में होगा, ठीक है, वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा और यहाँ पे हेटरोजाइगस फॉर्म में था, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो मैंने लिया है ये उस पर्सन का लिया है ब्लड ग्रुप जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और ओ को आप स्मॉल आई से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब दोनों एलील्स सेम होंगे तो आपको पता है अच्छे से कि उसको क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ पे जो एलील्स लिया है वो दोनों डिफरेंट है, आई ए और आई बी है, तो इस फॉर्म को आप बोलेंगे हेटरोजाइगस, ठीक है, और इन दोनों केस में क्या है कि होमोजाइगस भी है और हेटरोजाइगस भी है। आपके सामने मैंने सारे एलील्स मैंने रिप्रेजेंट करके बताए हैं और डिप्लॉयड फॉर्म में बताए हैं, इसको आप जीनोटाइप बोल सकते हैं। आप जब जाइगोट को या डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म को या डिप्लॉयड फॉर्म ऑफ एनी कैरेक्टर्स को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो वहां पे आपको दो लेटर यूज करने होते हैं, और वहां पे जीनोटाइप क्लियर हो जाता है, वहां पे जीनोटाइप क्लियर हो जाता है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि जब आप हेटरोजाइगस और होमोजाइगस रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो वहां से आप जीनोटाइप एक्सप्लेन कर देते हैं। जब आपने मेंशन कर दिया कि होमोजाइगस कोई है या हेटरोजाइगस है, दैट मींस कि आपने जीनोटाइप एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो जीनोटाइप के बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स में जब आप काउंटिंग करेंगे टोटल जीनोटाइप एबीओ ब्लड ग्रुप में, तो यहाँ पे टोटल जो ब्लड ग्रुप है वो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब टोटल जो है जीनोटाइप वो कितने हो रहे हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में, सिक्स हो रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, टोटल जो जीनोटाइप हो रहा है वो सिक्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे काउंट करके बता दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, इनको काउंट किया तो टोटल कितना आया, सिक्स आया। तो आप बोल सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बींग्स में जो जीनोटाइप का टोटल नंबर है वो सिक्स है, और ये नीट के एग्जाम में आया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में एलील्स के कितने टाइप हैं, तो आपके सामने यहाँ पे तीन एलील्स दिख रहे हैं, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया कि जब आपको मोर देन टू एलील्स मिलेंगे तो वो कंडीशन हो जाएगी मल्टीपल एलील्स की, ठीक है। मल्टीपल एलील्स पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में भी आता है और नीट में भी आता है, और ये एक एग्जाम्पल है आपका मल्टीपल एलील्स का, बेस्ट एग्जाम्पल है। आपके सामने मैंने मल्टीपल एलील्स के जो भी यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप में एलील्स के एब्रिवेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ पे आपको बताया। यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे तो मोर देन टू एलील्स आपको मिलेंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। तो ये चीज आपने देखा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि सर तो स्टार्ट किए थे कोडोमिनेंस समझाना, और अभी सर ने बता दिया एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, मल्टीपल एलील्स के बारे में बता दिया, ठीक है, लेकिन कोडोमिनेंस यहाँ पे समझ नहीं आया, ठीक है, ये सोच रहे होंगे आप, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है, ठीक है। मैं जस्ट अभी बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको कोडोमिनेंस को आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझना है, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे मैंने जो एबी लिया है, एबी ब्लड ग्रुप वाला जो भी पर्सन होगा वहां पे उस पर्सन में जो ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस के टाइप का है, मतलब
कोडोमिनेंसी वहां पे ही शो हो रही है। एक बार फिर से बता दूं, जब आप किसी पर्सन में ब्लड ग्रुप आप चेक करेंगे और ब्लड ग्रुप एबी वाला है होगा, तो दैट मींस कि उसके अंदर जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो ए का भी हो रहा है और बी का हो रहा है। जब दोनों पेरेंट्स के एलील्स एक्सप्रेस कर रहे हैं एफ वन जनरेशन में, तो उसको आप क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने यहां पे बताया है कि एफ वन जनरेशन में रिजेंबल करते हैं बोथ पेरेंट्स के कैरेक्टर्स। ठीक है, सपोज दैट कि जो पेरेंट्स में मेल या फीमेल में कोई एक आया होगा एलील्स मेल से, आई ए सपोज दैट मेल से आया, देन आई बी कहां से आया होगा? ये आया होगा फीमेल से। तो दोनों जगह से आ रहे हैं तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस बन रहा है। ठीक है, यहां पे दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस बन रहा है ना। तो ऐसा अगर आपको मिलेगा ब्लड ग्रुप किसी पर्सन में, तो आप बोलेंगे कि वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है कोडोमिनेंसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहां पे ए और बी दोनों एलील्स जो है वो एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं एफ वन जनरेशन में। और दोनों कहां से आ रहे हैं? पेरेंट्स से आ रहे हैं। एक आ रहा होगा मेल पेरेंट्स से, दूसरा आ रहा होगा फीमेल पेरेंट्स से। तो यही एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। ठीक है ना, ये जो कोडोमिनेंस का हेडिंग है उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है आपका। ठीक है, बट जब आप कोडोमिनेंस समझते हैं तो वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। मैंने अभी बताया है कि बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। मैंने जैसे आपको बताया कि किस जीन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके कितने एलील्स हो सकते हैं, मल्टीपल एलील्स के बारे में बताया, जीनोटाइप के बारे में बताया, देन इंडिविजुअल्स मैंने एलील्स का रिप्रेजेंटेशन बताया। ये सारे पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट है। इवन मैंने आरबीसी मेम्ब्रेन पे जो शुगर प्रेजेंट है या एंटीजन जिसको बोल रहे थे उसको भी मैंने यहाँ पे बताया। और ये सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं, ये सारे पॉइंट्स काम के हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक जो है खत्म हो गया, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। ठीक है, जो सेकेंड आपका एग्जाम्पल है वो है स्टार सिंथेसिस इन पी सीड्स। इसको भी समझ लीजिए आप, इसके लिए मुझे ठीक है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है यहां पे स्टार सिंथेसिस से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कोई पी सीड है, पी का सीड है, और सीड राउंडेड भी हो सकता है, सीड जो है रिंकल्ड भी हो सकता है, और एक और भी टाइप हो सकता है सेमी राउंडेड। ठीक है ना, ये कब होगा, इसके लिए क्या एलील है, इसको समझिए आप। सपोज दैट मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए बी लिया लेटर। ठीक है, तो जब कैपिटल बी होगा तो राउंडेड होगा, मतलब अच्छे से प्रॉपर इस राउंडेड शेप का होगा पी का सीड। ठीक है, जब आप ये रिंकल्ड वाले लेंगे तो स्मॉल बी स्मॉल ई बी लेना होगा। ठीक है, यहां पे अगर आप रिंकल सीड लेंगे तो स्मॉल बी लेना होगा, और इन दोनों का जो इंटरमीडिएट फॉर्म है वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी। ठीक है, ये जो होगा सीड ये पार्सली राउंडेड होगा। कैसा होगा? पार्सली राउंडेड होगा। और ये जो भी शेप है आपका राउंडेड रिंकल्ड या पार्सली राउंडेड, ये जो भी शेप है वो डिपेंड करता है स्टार्स के सिंथेसिस पे। अगर स्टार्स के सिंथेसिस ज्यादा होगी तो वो होगा राउंड शेप में, अगर नहीं होगी तो रिंकल शेप में, अगर थोड़ा हो रहा है तो वो होगा आपका कैपिटल बी और स्मॉल बी वाली कंडीशन में। ठीक है, और ये जो कंडीशन होगी ये एक्चुअली किसको शो करेगा? ये शो करेगा कोडोमिनेंसी को शो करेगा, ये कोडोमिनेंसी को शो करेगा। और आप एलील्स देखकर आप बता सकते हैं कि यहां पे कोडोमिनेंसी है या नहीं है। ठीक है, एलील्स देख के या आप जीनोटाइप देख के आप बता सकते हैं कि यहां पे कौन सा एक्सप्रेशन हो रहा है, कोडोमिनेंस हो रहा है या नॉर्मल मेंडल्स का लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है। जब आपको सेमी राउंडेड शीट मिलेगा तो आप बोल सकते हैं इसलिए कि यहाँ पे दोनों एलील्स इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इक्वली एक्सप्रेस करेंगे दैट मींस कि वो जो होगा वो होगा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा, वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जब आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आपने देखा था कि वहां पे एग्जाम्पल जो लिया था रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर का लिया था, और एफ वन जनरेशन में पिंक मिल रहा था, तो वहां पे
ब्लेंडिंग प्योर हो रहा था, वहां मिक्सिंग हो रही थी, यहां पे मिक्सिंग नहीं हो रही है, यहां पे इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है, इक्वल पार्टिसिपेशन हो रहा है एलील्स का, मतलब दोनों एज इट इज हाफ हाफ वो F1 जनरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये जो होगा इनहेरिटेंस, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, एग्जैक्टली ये ब्लेंडेड टाइप का नहीं होगा, एग्जैक्टली ये ब्लेंडेड टाइप का इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल्स एलील्स को इंडिविजुअल एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इस टाइप का एक्सप्रेशन नहीं था। ठीक है, वहां पे क्या था कि दोनों का मिक्सिंग का जो फॉर्म था, मतलब दोनों जब पार्सली इन्वॉल्व होके और मिक्स होके एक नया जो है फिनोटाइप दे रहे थे पिंक फ्लावर का, ठीक है, तो वो एक अलग था एग्जाम्पल, इसलिए उसको हम लोगों ने कहां पे कंसिडर किया था, उसको कंसिडर किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, बट को डोमिनेंस में ऐसा नहीं है, को डोमिनेंस में दोनों एलील्स का इक्वल डोमिनेंसी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। कई बार इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में डिफरेंस पूछता है, इसको तैयार करना होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप देखकर और आज का टॉपिक आप देखकर आप एक डिफरेंस बनाकर इसका नोट्स बना सकते हैं, मतलब डिफरेंस आप पॉइंट्स बनाएंगे और देन उसको एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है ना, और इवन नीट का भी होगा तो वहां पे भी वो नोट्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है।